दिन पहले दीपावली की रात को जिस तरह से अभनपुर के केंद्रीय गांव में 5 लोगों की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी के बीच में ये पूरा घटनाक्रम उलझा हुआ है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का एक दल पहुंचा हुआ है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी है। कई नेताओं की मौजूदगी आप इस वक्त देख सकते हैं, जो वहां आसपास के लोगों के साथ साथ परिवार के लोगों से भी बातचीत करके जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो क्या वजह रही कि जिसके चलते दीपावली की रात को 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्योंकि देखें तो घर के मुखिया कमलेश ने पहले तो अपने घर की माता, अपनी पत्नी, दोनों बच्चों को मौत की नींद सुला दिया, उसके बाद खुद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। भैया मैं रिजोर्ट बना रहा हूँ, बीच में फंसा हुआ हूँ। हाँ हाँ ठीक है, देख रहा हूँ बच्चे। हेलो, मतलब 8 बजे गला घोटे हो, एक ले हो, दो ले हो, तीन ले हो, अल्लाह बुल्ला चिल्लाहट नहीं मची। तो एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, बीजेपी नेता जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात कर बातचीत भी यहां पे कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का ये दल केंद्रीय गांव पहुंचा हुआ है, तस्वीरें सीधे आपको केंद्रीय गांव से दिखा रहे हैं। आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी पहुंचे हुए हैं, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू भी मौजूद हैं। जानने की कोशिश ये की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, क्या तनाव रहा जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार काल के गाल में समा गया, मौत की नींद सो गया। इंदौर में